प्रदेश की जनता ये जितना सोच रहे उतनी मूर्ख नहीं है, ये सोच रहे तुम अपनी डुगडुगी बजाओ और ऐसे आ जाएंगे। इनको वापस मंदिर की घंटी बजाने के लिए भेज देंगी जनता यहाँ से, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। ही इज नॉट कमिंग। सारी एजेंसी सुनो, सारी अभी जो हम बोल रहे हैं ना, अभी इनको हम नहीं डरते, अभी ये पता लगेगा, ये ईडी का छापा कल मेरे घर पर लगवाएंगे। अभी योगी सरकार ने ये भी दावा किया है कि 350 के प्लस जा रहे हैं। नहीं, वो उनका वहम। सिलेंडर के लिए तड़पे लोग, ऑक्सीजन के लिए तड़पे, हॉस्पिटल बेड नहीं मिले। अभी फिरोजाबाद में देख लो आप, मथुरा में देख लो, एक इतना बड़ा हॉस्पिटल चिकित्सा व्यवस्था खत्म होने के बाद इन लोगों ने उसके बाद उस पर क्या काम किया। अभी बुखार आया, 2-3 जिलों में आया, उसी में इनके हाथ पैर खुल गए। 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड है, उससे काफ़ी हद तक हम संतुष्ट हैं। और एक आध चीजें हर सरकार में जो कमियां रही हैं, वो कुछ कमियां इनमें भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता उत्तर प्रदेश, मैं गौरी त्रिवेदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4.5 वर्ष का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें उन्होंने सेवा, समर्पण, सुरक्षा, सुशासन, महिला सुरक्षा एवं कोरोना पर प्रभावी ढंग से कार्य करने का दावा किया है, जिसमें आप जगह जगह पर पोस्टर्स भी देख पा रहे होंगे, दमदार योगी सरकार, छा गई योगी सरकार जैसे तमाम दावे ट्विटर पर भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन क्या ये पोस्टर्स, क्या ये स्लोगन्स सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हैं या फिर प्रत्यक्ष हमें धरातल पर भी दिखाई दे रहे हैं? ज़मीनी हकीकत क्या है? हम योगी जी का रिपोर्ट कार्ड लोगों से जानते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है। क्या वाकई में छा गई योगी सरकार? क्या वाकई में दमदार है योगी सरकार? लोगों से जानते हैं। मीटिंग थी और यही चला। मैंने भी ये पोस्टर देखे हैं, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मैं इनको ज़्यादा दोषी नहीं मानता हूँ, मुख्यमंत्री जो यहाँ के ना, क्योंकि इनके मुखिया जो हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, भारत की प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं वो जी, ये तो उनकी चलाई हुई। इतना झूठा, इतना गैर जिम्मेदार आदमी हमने आज तक दुनिया में नहीं देखा, देश में नहीं, दुनिया में। इतना झूठा, इतना गैर जिम्मेदार, मिनट में ये रात को कुछ और बोलेगा, सुबह तक कुछ और हो जाएगा, दोपहर के बाद शाम तक कुछ और हो जाएगा। इतना झूठा, झूठ के नाम रहा तो ये तो उसके, अब इसके क्या क्या कहें, इनको चेले कहें या क्या कहें, इनको तो बोलना ही है। ये अगर उसकी, देखिए आज कैबिनेट में, अब मैं दिल्ली की आपको बताऊं, कैबिनेट में जितने मंत्री हैं वो नाम के लिए हैं केवल। मैंने तो पीछे से एक उनके पास मैसेज दिया था, इनको हटा दो, पैसा तो बचेगा, चला तो एक ही आदमी रहा सरकार को, सरकार के केवल प्रधानमंत्री, किसी मंत्री की औकात नहीं है कि इसकी गलत नीति के खिलाफ एक शब्द भी बोले, एक शब्द नहीं बोल सकते गलत नीति के खिलाफ, गलत नीति के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, आप बहादुरी से आप ये लेने आ रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अदरवाइज तो मीडिया तो बिक चुका है, मीडिया तो इसकी गोद में बैठा है, और वो ये देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं। अरे योगी आज क्या बता रहे हैं ये तो मुझे शर्म आ रही है इनके पोस्ट से पढ़ पढ़ करके। जिस दिन इन्होंने चार लिया था, कितने बच्चे इन्हीं के हल्के में, गोरखपुर में अस्पताल में कितने बच्चे मारे गए, वो ऑक्सीजन की कमी से। और आज इस कोरोना महामारी में, और ये महामारी दावे के साथ कह सकता हूँ, सीना ठोक के हिम्मत है प्रधानमंत्री महोदय को चैलेंज कर रहा हूँ, हमारे साथ किसी भी चैनल पर अपनी पसंद का चैनल ले आएँ, आधा घंटा बैठ जाएँ हमारे साथ, आधा घंटा अगर हिम्मत है तो आइए। हमने बहुत बार, एक बार नहीं, 50 बार चैलेंज किया है, नहीं आएंगे वो, कभी नहीं मिटेगी, ना आंधी में, तूफान में, ना पानी में गलेगी, ये तो उड़ जाएंगे, कल कोई इसको फाड़ जाएगा, बारिश में ख़राब होंगे, क्योंकि ये दिखावटी होल्डिंग है, किया नहीं है इन्होंने, जो किया जनता के सामने सारा लेखा जोखा है, मैं उनको रिपीट बार बार करके आपका समय खराब नहीं करना चाहता, इन्होंने कुछ नहीं दिया है, केवल दर्द दिया, तो वो बहुत गलत है। तो जो पोस्टर्स दिख रहे हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है दमदार योगी, अरे वो मीडिया सब देखो सरकार, आप लोग को छाना तो इनका वो तो ट्रेंड है ना, ये पैसा इसी चीज पे फूंकते हैं, ये जनता के विकास पे थोड़ी फूंक रही, जनता की आम मूलभूत सुविधाओं पे थोड़ी लगा रहे। आप सिलेंडर की बात कर रहे कि सर इन्होंने सब्सिडी वो कर दी, एक आदमी को फ्री दे दिया, एक बार तो दे दिया तुमने फ्री, अगली बार कहाँ चलाएगा वो 1,000 का सिलेंडर? भाई आप उसी चीज़ को, अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा करके 3 बार तो ले सकता था कम से कम, वो उसी 1,000 रुपये में वो 3 बार ले सकता सिलेंडर। आपने रिपोर्ट कार्ड में ये भी है कि लड़कियों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हमने फ्री कर दी, कहाँ कर दी, वो तो कागज में, वो तो 2 करोड़ रुपये, 2 करोड़ नौकरियाँ भी दे रहे थे हर साल, 2 करोड़ अगर नौकरी देते तो आप लगा लो 4 साल उनके हुए तो कम से कम 16 करोड़ आदमी तो नौकरी पे लग जाते हैं, 16 करोड़ में कम से कम कितने परिवार सक्षम हो जाते। आप अपंग बना रहे लोगों को, अनाज दे रहे, 5 किलो का थैला जोड़ा पकड़ा दिया, उसमें गंदे चावल, पता नहीं कितने सड़े भूसे जहाँ पे गंदगी में पड़े हुए गोदामों में वो चावल आप वितरित कर रहे हो, आप लोगों को अपंग बना रहे हैं, आप सक्षम नहीं कर रहे, आप उन्हें रोजगार तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्री के राशन की, उन्हें क्यों जरूरत पड़ेगी? अब मैं भी हूँ चाहे भाई हैं चाहे कोई भी है, सब लोग अगर इनके पास रोजगार होगा ये 200 की चीज़ भी खरीदने के लिए सक्षम हो जाएंगे, उन्हें महंगाई नहीं लगेगी, लेकिन जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा उन्हें तो 100 रुपये की चीज़ भी महंगी लगेगी। सर क्या आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे,
और कोई बोलना चाहेगा? देखिए, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर इस चीज़ का सरकार दावा कर रही है तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हम सच्चाई बोलने से नहीं डरेंगे, छापे लगवाओ। चलो, पुलवामा हमला, एक मिनट, पुलवामा हमला क्या था बताएंगे आप? बताइए, अगर आप अगर सैनिकों से प्यार करते हो तो बताइए क्या था? ये बात सरकार की साजिश, पुलवामा हमला साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी, दावे के साथ कह रहा हूँ। आप सेना में कभी सरकारों ने आप कि एक मसला हम बता रहे हैं कि एक जमीन जो है मान लो इनकी है और कब्जा ये करना चाहते हैं, तो ये पहले वहाँ ये देखा जाएगा कि इनके पास गरीबी है कि किस वजह से ये ज़मीन ये दे रहे हैं, कब्जा करना चाहते हैं, राय ज़बरदस्ती से कब्जा करना चाहते हैं, वो अपने गरीबी में बेचना चाहते हैं कि कैसे कब्जा हो रहा है। अगर हम मान लो कि नेता हैं या कोई मुख्यमंत्री या कुछ भी हैं, पहले इनको हम देखेंगे कि भैया आपको क्या मुसीबत है, क्यों ये आप कर रहे हैं। उसके अलावा जब ये कहेंगे कि देखिए हम बिजनेस करना चाहते हैं, किसी लड़की का शादी करना चाहते हैं या कोई धंधा करना चाहते हैं, इसलिए हम बेच रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगा, योगी जी का जो भी प्रोग्राम चल रहा है केवल लखनऊ में चल रहा है। लखनऊ से जैसे बाहर निकले सारा प्रोग्राम फेल है इनका। अच्छा, ना इनका वैक्सीन दिखाई देता, ना रोड, ना सुरक्षा, महिला का कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो पोस्टर हवाबाजी केवल पोस्टर देख लो, टीवी पे देख लो, इनके इनके प्रधानमंत्री की देख लो, दमदार योगी सरकार, बस इनका प्रचार तो बहुत तगड़ा है, प्रचार में बहुत पैसे लगे। अच्छा, प्रचार में इनके बहुत पैसे है। यही काम मोदी जी ने किया, वही योगी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी कहीं कुछ है नहीं, सब हवाई बातें हैं। अच्छा, आप मीडिया बंधु हैं, आप तो आपको तो पता होगा 4.5 साल होने वाले हैं भाजपा सरकार को जी। इन्होंने सिर्फ नाम चेंज करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। अच्छा, ठीक है, महिला सुरक्षा की बात रही, महिलाएं कितना बलात्कार हो रहा है और कितनी सुरक्षित हैं महिला, वो महिला खुद जानती हैं, आपको खुद पता होगा। और दूसरी बात रही सरकार की, रही सरकार की बात की, इस बार योगी सरकार हार रही है। अभी योगी सरकार ने ये भी दावा किया है कि 350 के प्लस जा रहे हैं। नहीं, वो उनका वहम है, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम आएंगे गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो आप सामने देख सकते हैं पूरा, मतलब आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, गड्ढे के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। और वो गाय पे चर्चा करती हैं, और गाय कितना नुकसान कर रही हैं किसानों को, वो भी आपको पता होगा। किसान, ठीक है, किसान बिल्कुल मतलब टूट चुका है, और महिला बिल्कुल टूट चुके हैं। अब ये हमको पता है जब चुनाव नज़दीक आएगा कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही, महिला सुरक्षा को लेके, मैंने इतनी नौकरी दे दी नौजवानों को, इतनी मैंने इतनी नौकरी देगी, सिर्फ झूठ झूठ पे सरकार चल रही है। ये हम लोग कहना चाहेंगे, भाई आम नागरिक हैं, हक है, ये झूठी सरकार है सिर्फ। क्या आप सर क्या कहना चाहेंगे? हम तो बेटा इनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ झूठ और झूठी है, मतलब कहे क्या इनके बारे में। ये हिंदू मुस्लिम पर राजनीति कर रहे हैं, कोई सोचा छोड़ देते हैं, लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं चलेगा, इस बार विकास पुरुष ही आएंगे, अखिलेश यादव जी ही आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। रही बात महिलाओं की सुरक्षा की, अभी आपने भी पूरे देश ने देखा कि महाभारत के बाद पहली बार किसी महिला के साथ इतनी बदतमीजी हुई कि चीरहरण तक हुआ, उनका कपड़े उतार दिए गए, बहुत अभद्रता हुई। और ये कहा गया हमारे शास्त्रों में कि जब महिला पर अत्याचार हो जाए तो समझो उस शासन का कह लो, राजा का कह लो, या उस राज्य का कह लो, विनाश निश्चित है। तो इनकी सोच जो है सिर्फ एक डिक्टेटर की है, जो ये करते हैं स्वतः वही सही है। रही सड़कों की बात, जो विकास हो रहा वो सबको दिख रहा, कागजों को रहा, होल्डिंग इतने बड़े बड़े लगा दिए, 500 करोड़ अभी जो इन्होंने स्पेशल बजट दिया वो सिर्फ सरकार के प्रचार के लिए दिए गया 500 करोड़। अगर यही बजट
गरीबों में ये अगर 1 लाख एक नागरिक के एक या एक फैमिली को भी देते तो कितनी फैमिलियां सक्षम हो जाती। ऐसे कोरोना काल में आप कह रहे कि उन्होंने कोविड पे नंबर एक काम किया, क्या नंबर एक काम किया? सिलेंडर के लिए तड़पे लोग, ऑक्सीजन के लिए तड़पे, हॉस्पिटल बेड नहीं मिले। अभी फिरोजाबाद में देख लो आप, मथुरा में देख लो, एक इतना बड़ा हॉस्पिटल चिकित्सा व्यवस्था खत्म होने के बाद भी इन लोगों ने उसके बाद उस पर क्या काम किया? अभी बुखार आया, 2-3 जिलों में आया, उसी में इनके हाथ पैर फूल गए, उसी में इनको ये बेड नहीं दे पाए, बच्चों को जो वैक्सीनेशन है वो नहीं कर पाए किसी भी तरह से। आप जन्मदिन पे वैक्सीनेशन लगा रहे, क्यों? तो जन्मदिन का वैक्सीनेशन क्यों, एक ही दिन के लिए आप जो चलाएंगे, आप अभियान जो चलाएंगे तो एक ही दिन के लिए चलाएंगे, तो हमेशा पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए होना चाहिए ना। सरकार का जो 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड है उससे काफ़ी हद तक हम संतुष्ट हैं, और एक आध चीज़ें हर सरकार में जो कमियाँ रही हैं वो कुछ कमियाँ इनमें भी रहीं, लेकिन उसके बावजूद इनकी सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि पूरी तरीके से फेल है सरकार, वहीं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि छूट के फूल। देखिए, अखिलेश यादव जी को सैफई में जो है पिछले 4.5 साल में डांस नहीं हुआ है, इंग्लैंड से उनके पिताजी बग्घी नहीं मंगा के अपना बर्थडे मना पाए हैं। अच्छा। ये रही बात सोनिया गांधी की और प्रियंका गांधी जी की, इनको अभी ये नहीं मालूम है कि इनके पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, इनके अनुसार योगी और मोदी के आने के बाद देवी दुर्गा की शक्तियां कम हो रही हैं। ऐसे बेहुदा बयानबाजों के लिए इसके विषय में बोलना भी अपना समय बर्बाद करना। और मायावती जी कह रही हैं पूरी तरीके से हवा हवाई नहीं, है। मायावती जी भी देखिए, हवा हवाई यदि है तो पिछले 4 साल में जो ये सामने पत्थर और मूर्तियाँ लगवाई हैं, अब की मूर्ति बनवाने के लिए क्यों नहीं बोल रही? अब की क्यों बोल रही है कि ब्राह्मणों का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा? बोल रही है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये उन्हीं के शब्द थे, ये हमारे शब्द नहीं है, लेकिन आज प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करा रही हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कारण रहा कि जो है योगी सरकार के 4.5 साल में सबको अपने अपने अंदर झांकने की नसीहत दे दी है योगी बाबा ने। और रही बात कि योगी सरकार के 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड, तो उनको अगर मार्क्स देने हो तो 100 में 90 नंबर तो आराम से देंगे। एक सबसे पहले तो आप मीडिया वालों से पहले हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि मीडिया वाले जो उत्तर प्रदेश जहाँ पे 23-24 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ के लिए पूरे देश में हवा खड़ा कर दिया गया। भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रबुद्ध लोगों का प्रदेश केरल, वहाँ पर आज हाहाकार मचा हुआ, उसके लिए ना आप ना अन्य कोई मीडियाकर्मी उसके ऊपर कभी आवाज़ ही नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना का जितनी अच्छी तरीके से संभाला है योगी सरकार ने, जितनी अच्छे तरीके से यहाँ के प्रशासन ने संभाला है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो जैसा कि आपने देखा कि योगी जी के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड पे हमने ज़मीनी हकीकत में लोगों का रिपोर्ट कार्ड लिया, हमने योगी जी के तमाम बयान, सेवा, समर्पण, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, कोरोना के प्रबंधन पर प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता पर लोगों से रिपोर्ट लिया। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कहना था और लोग कितने परसेंट योगी जी के रिपोर्ट कार्ड से सहमत थे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहें।